मैं हूँ उस्ताद आकिर हुसैन। तो सबसे पहले सोहेल भाई आदाब, अर्चना जी आदाब। आदाब सर, कैसे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा अगर ऐसे ही ढोलक बजाता रहा तो एक दिन बड़े बड़े नचनियों को तो ऐसे ही बिठा देगा। लो सर बिठा दो। खैर सर, आपको मैं बता दूं, मैं आपका फैन तो हूँ और आपका आना यहाँ बनता भी था सर। प्यार चीज ही ऐसी है। अब इसके चक्कर में तो रजा मुराद यहाँ आ गए थे, फिर इसने भगाया, कहती है उम्र देखी अपनी, तेरे जितने तो मेरे बच्चे हैं। फिर उन्होंने अपने दादा को भेजा मजा मुराद, तब इसको मजा आया। क्यों नाचे महाराज? हम हैं गिरजू महाराज, और एक बार जब हम किसी पर गिर जाते हैं ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, उठ जाता है, उठ जाता है। अच्छा मतलब तीन बार उठता है? हाँ, तो हम गिरते भी तो तीन आदमियों पे एक साथ हैं। ओहो, वैसे चूंकि हम एक डांसर हैं, हम म्यूजिशियंस की बड़ी कदर करते हैं, परंतु वो म्यूजिशियंस जो अपने जूनियर म्यूजिशियंस की कदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तबला बजाते रह जाते हैं, वो भी एक ही जगह पर बैठकर, वो भी 6 सालों तक। पर हम ऐसे कलाकारों की भी बड़ी कदर करते हैं, इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करके कई कप जीते हैं, साथ में कई प्याले और कई केटलियां भी जीती है। बहुत जल्द ही अपनी चाय की दुकान खोलने वाले हैं, ऐसी हमारी दुआ है। मैं सर की सीसरी इज्जत करता हूँ। एक बार मुझे बोले, बेटा मैं इतना बड़ा नचनिया हूँ, कहीं नाचते नाचते एक भी स्टेप मेरा गलत हो गया मैं तो डूब के मर जाऊंगा। कहते मेरी दो बहनें, उनका क्या होगा? मैंने कहा सर मैं आपकी दोनों बहनों को अपनी छोटी बीवियां समझ के रखूंगा। देखिए देखिए देखिए, आप थोड़े से क्यूट क्या हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारी तौहीन करेंगे। और तेरी बॉडी मसाज करूं मैं? आप बहुत बड़े ढोलकियां हैं ना। ढोलकियां का क्या मतलब? ढोलकियां हूँ, ढोलकियां, ढोलकियां हूँ। ओहो, हूँ मैं ढोलकिया। आपको आता है बजाना? बहुत अच्छा आता है। हाँ तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम नृत्य करेंगे, आप ढोल बजाइए। चलिए तीन ताल बजाइए। क्या बजाना बोलो? तीन ताल बजाइए। लो, आपको ताल के बारे में कुछ भी पता है? अर्चना जी, 10 साल से मैं ढोलक बजा रहा हूँ, ऐसे बाल सफेद नहीं किए मैंने। ताल के बारे में आपको कुछ भी पता है? सुभाष घई जी ने पिक्चर बनाई थी, अक्षय खन्ना ने काम किया था उसमें, अनिल कपूर थे, गोंडिया झकास उन्होंने बोला था। झकास उन्होंने ताल में नहीं बोला था, तेजाब में बोला था। ताल में उन्होंने बोला था 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो राम लखन किसमें बोला था? राम लखन में उन्होंने बोला था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मैं ढोलक ही बजा लेता हूँ भैया। बजाना आता है आपको? महाराज आता है मेरे को बजाना आता है। अच्छा, ये 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 तीन ताल थी, ये तीन ताल थी, ये बजाया आपने? तो आड़ा चौताला बजा रहा था मैं, आती है मुझको बजानी। ओहो, आपसे अच्छा डांस करना आता है मेरे को। हो जाए, आ जाओ, आओ म्यूजिक दीजिए भाई। Anybody can dance? मती मारी गई है हम लोगों की। जब देखो आके हंसाओ, क्या लगा के रखा है यार। खैर लेकिन दबंग 2 के लिए बहुत बहुत बधाई, 350 करोड़ रुपए कमाएगी पिक्चर, हमारी दुआएं सोहेल भाई। लेकिन उनको बोल देना पहले लगा दे, क्योंकि मिस्टर मनी भी आ रही है ना, बिजनेस में प्रॉब्लम होते है सर, कौन देखेगा हमारी पिक्चर भी। खैर अर्चना जी क्या बनाऊं मैं, बताइए। पता ही नहीं, देखो पता ही नहीं है, जब यहाँ एंकर लिंक चल रहे होते अपने लिंक में लगे रहते हैं लोग। ज्यादा लिंक मत बनाइए, हमें तीसरे जज की जरूरत नहीं है। खैर मैं बता दूं, मैं हूँ सिंगर और अर्चना जी मैं मानता हूँ किशोर दा नंबर 1 हमारे हिंदुस्तान के, उनके बाद किसी का नाम आता है तो रफी साहब,
रफी साहब दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, किशोर दा और रफी साहब, लेकिन अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है। किशोर दा और रफी साहब के बाद अगर किसी का नाम आता है तो अल्ताफ राजा। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपना नाम क्यों नहीं लिया। अब अल्ताफ राजा जहाँ के खत्म हो गया ना, उसके बाद क्या हो रहा है यार, अपना नाम काहे को खराब करें हम साथ में लगा कर। चलो भाई, मैं आप इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, मेरा लो ना कोई गाना होना यार। नहीं मतलब कोई सिंगर ऐसा लिख के नहीं देगा ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ। मैं लिख के देता अपने गाने, सब फ्लॉप होंगे साहब, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। खैर अर्चना जी को मालूम, अर्चना जी मेरी एक लाइन पे ना ऐसी ऐसी तालियां बजती है ना, लोग पहली लाइन पे ताली बजाते हैं था, निकालो साले को बाहर निकालो। अर्चना जी को इस बार के बारे में पता चल गया, इसलिए बर्थडे पार्टी में इन्होंने मुझे घर पे बुलाया था सिंगिंग के लिए। मुझे पार्टी चालू होगी, खाने का जब टाइम आएगा ना तो तुम गाना गा देना, सब उठ के भाग जाएंगे। ऐसा गाना गाया सब भाग गए, लेकिन जब मेरे खाने की बारी आई इतनी चाणी है खुद गाना गाने लगी यार। खैर मैं आप लोगों को एक गाना सुनाता हूँ, लेकिन इतना सुर में नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है, थोड़ा बैठा हुआ है। गला ए, नो स्मोकिंग नो पार्किंग। क्या बैठा हुआ है? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तू नहीं खड़ा होगा? नहीं होगा। तू क्या अंधेरी का मेट्रो का पुल है जो खड़ा नहीं हो पाएगा? बकवास बंद कर, इधर आ ऊपर आ। अगर साले उसको लग जाती ना देख लेता तेरे को। आप आराम से बैठिए, कोई चिंता नहीं। अरे टाइम पास मत कर, अपना सिंगिंग का इधर। अरे तू जितना मर्जी टाइम पास, हमने प्यार से ईंट मार दी तो गुस्सा चढ़ गया तेरे को। Shut up, आज मैं पागल हो चुका हूँ। मालूम है जब खड़ा नहीं हूँ, जब इसके पास लाइनें नहीं होती ना पागल ही हो जाता है। खैर एनीवेज मेरे को प्रैक्टिस करने दे, एक मिनट ट्राई तो करे यार गाना गाने के लिए। तब प्रॉब्लम है, लगता है गरारे करने पड़ेंगे। सारे का मापा नहीं, सारे का मापा नहीं, और धातू। ए क्या प्रॉब्लम है यार तेरा, तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बस मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तू गला है कि तू सतीश साहब है? हाँ इतना अच्छा हम लोग परफॉर्म करते थे, सतीश साहब एक भी बार खड़ा नहीं होता था। मैं खड़ा नहीं होऊंगा, आज तक तूने मेरा सोचा क्या है? मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने, मेरे गले के अंदर पता नहीं क्या क्या फंस गया, इसे क्या क्या खाता हूँ। ये दांत, दांत। अरे बुड्ढी लोग से प्यार करने का प्रॉब्लम ही है यार। कितनी बार तेरे को बोला है, किस करते तेरे दांत अंदर चले जाते हैं मालूम है? शट अप, मैं नहीं गाऊंगा, मैं खराब हो। आज तक तूने मुझे दिया ही क्या है? टॉन्सर, खारिश, गिल्टियां, क्या दिया तूने मेरे को? अबे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, खराश में पता पूरी रात रात भर नहीं सोया हूं मैं, और गले में इतनी बड़ी जो चेन दी है मैंने तेरे को उसका क्या? अच्छा हा? और जो तू रोटियां खाता है, और टीपू सुल्तान की ढाल वो भी नरम होती है, शर्म कर तू मेरे ख्याल के दिए भाई। अबे सुबह 5-5 बजे उठ के रियाज करता था मैं तेरे लिए। अच्छा हाँ? जब लोग आते थे तेरा गाना सुन के दबाते तो मेरे को ही थे ना। अबे साले 10 साल से तेरे को मालूम है बिस लहरी पानी पी रहा हूँ मैं। बिस लहरी को बिस लहरी, गिर जाओ हंस के, हंस के गिर जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, जिद मत करो, गले से गाकर आज तक कोई भी कलाकार नहीं बना, जो भी हिट हुआ है दिल से गाकर हिट हुआ है, जोरदार तालियां उन कलाकारों के लिए। ए, लेकिन सबसे पहले मेरे को एक और बार ट्राई करने दे। दिल दे दिया जो देंगे, दगा नहीं करेंगे शर्म। ओ रब देखो जम यारा, रब देखो देखो ही। प्रॉब्लम पता है क्या है? देख मैं दिल से नहीं गा सकता यार। क्यों? क्योंकि मेरा दिल मेरे पास है नहीं। कहाँ है? मेरा दिल तो अर्चना जी के पास है।
आज तक मैं सॉरी तेरे को मैं गलत समझता रहा, मैं तेरे को कमीना समझता रहा, इतना कमीना समझा, लेकिन आज पता चला तेरा दिल ही छोटा है। आज मुझे पता चला इन लड़कियों की तूने पेमेंट नहीं की, कपड़े प्रेसिंग से करवाता रहा, पैसे नहीं दिए, शर्म करो। अरे बकवास बंद कर, अभी कोई छोटा दिल नहीं है मेरा, यकीन नहीं आता तो श्रुति से पूछ, इसके पास भी था मेरा दिल। क्या बात कर रहे है? छोटा दिल कहता है साले, जजेस के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। तेरे को पता है कितनी रिस्पेक्ट करता हूं मैं अर्चना जी की, पता है सोहेल भाई बेचारे इतनी बिरयानी लाते, कितनी टेस्टी टेस्टी बिरयानी होती है इनकी। I'm sorry, साले शर्म कर, रोज बोलता है अजूबे में मैंने 15 स्टैंडिंग मिशन ली है, साले तूने ली तो सुबह क्यों नहीं ली? उसने अकेले जाके स्टैंडिंग मिशन ली कि नहीं? जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। शर्म कर साले, थैंक यू साले, थैंक यू, यहाँ लेके दिखा, यहाँ लेके दिखा, तब माने। एक मिनट, क्यों मारे उसको इतना? अरे मेरा मन करता है मैं चला जाऊं इस दुनिया से। अर्चना जी मेरे को छुरी दो, मैं अपना गला काट दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, आप दुनिया से जाना चाहते हो? गला मत काटो, टांग के लगा के फिर ठीक हो जाएगा। अपने दिल में छुरा मार दो। एक मिनट बात कर। हेलो, लेकिन मरने से पहले तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा, सनम दे बका, ओए सनम दे बका, शर्म कर, एक प्यारे से दिल को मारा शक्कर, बिना बताए मार रहे हो? तेरा बोलने का कोई हक नहीं, तू दिल है, तू जुबान नहीं, तू गला नहीं। मार, बकवास बंद करो। ओके, मरने से पहले मैं अपने प्यार के लिए कुछ गाना गाना चाहता हूँ। चलो बजाओ भाई। श्रुति, I really love you। मेरा दिल भी कितना पागल है। दिल पागल मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। मैं तो देखो, एक मिनट, एक गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। अरे आप ऐसा ना करें, हाँ मैं खुद मारती हूँ। जहाँ आप मार रहे उसे वो दिल नहीं कहते उसे।